हम आपको दिखाएंगे कि जाति इलाके के साथ एक्सनेस अकाउंट रजिस्टर करने और नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने का तरीका क्या है। शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें और अकाउंट खोलने पर क्लिक करें। अपना रिहाइश का मुल्क दर्ज करें, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता और यह आपके जाति इलाके में दस्तियाब अदायगी के सिस्टम्स के ऑप्शंस को मुतासिर करता है। वो ईमेल पता दर्ज करें जिस पर आप इस जाति इलाके को रजिस्टर करना चाहते हैं। खुसूसी तकाजों पर अमल करते हुए पासवर्ड बनाएं बशमूल छोटे और बड़े हरूफ और नंबर्स। आप इस ईमेल और पासवर्ड को वेब या एक्सनेस ट्रेडर ऐप से अपने जाति इलाके तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पार्टनर कोड है तो इसे दर्ज करने और अपने अकाउंट को एक्सनेस शराकती प्रोग्राम से मुंसलिक करने का एक ऑप्शनल मरहला यहाँ मौजूद है। गलत पार्टनर कोड दर्ज करने की सूरत में इंदराज की फील्ड साफ हो जाएगी ताकि आप दोबारा कोशिश कर सकें। आपको ये इकरार और तस्दीक करने के लिए बॉक्स को भी निशानजद करना होगा कि आप अमेरिका के शहरी या रिहायशी नहीं हैं। जारी रखें पर क्लिक करें और आपको एक्सनेस टर्मिनल पर ले जाया जाएगा। अपने जाती इलाके के लिए अपने ब्राउजर में नया टैब खोलने की खातिर यहाँ क्लिक करें। डिफॉल्ट तौर पर आप हकीकी के टैब के तहत मेरा अकाउंट में हकीकी MT5 ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। आपको डेमो टैब के तहत डेमो MT5 ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखाई देगा। आए अब आपके लिए नए जाती इलाके में ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने का तरीका देखते हैं। मेरे अकाउंट्स की जगह से नए अकाउंट्स खोलने को मुंतखब करें। हमारे स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल अकाउंट्स के इंतखाब से अकाउंट्स की किस्म मुंतखब करें, फिर हकीकी अकाउंट्स के लिए हकीकी अकाउंट्स खोले पर क्लिक करें या डेमो अकाउंट्स के लिए डेमो आजमाएं। अगले सफे पर आप दोबारा अपने अकाउंट की किस्म को हकीकी या डेमो पर सेट कर सकते हैं और अपना तरजीही ट्रेडिंग MT4 या MT5 टर्मिनल मुंतखब कर सकते हैं। अब अपनी तरजीह ज्यादा से ज्यादा लेवरेज की तरतीब और अकाउंट की करेंसी मुंतखब करें, ये जहन में रखते हुए कि आप बाद में अकाउंट्स की करेंसी तब्दील नहीं कर सकते। आखिर में इस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई अरफी नाम मुंतखब करें और इसका जब ये सब मुकम्मल ईमेल पर भेजा गया मुंतखब करें कि आप SMS हासिल करना चाहते हैं या कॉल, फिर अपना फोन नंबर दर्ज करें, फिर मुझे कोड भेजे पर क्लिक करें। अपने फोन पर भेजा गया कोड दर्ज करें, फिर अपने फोन नंबर की तौसीक करने के लिए जारी रखे पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी तफसीलात के साथ जाती मालूमात मुकम्मल करें। मालूमात की तौसीक करने के लिए मुकम्मल करने के बाद जारी रखे पर क्लिक करें। एक पैगाम के जरिए तौसीक की जाएगी कि आपकी ईमेल, फोन नंबर और जाती मालूमात जमा हो गई हैं। इकोनॉमिक प्रोफाइल पर जाने के लिए तौसीक मुकम्मल करें पर क्लिक करें। इकोनॉमिक प्रोफाइल आपके तिजारती तजर्बे का सर्वे है जो डिपॉजिट और ट्रेडिंग की पाबंदियां हटाने के लिए दरकार है। इकोनॉमिक प्रोफाइल मुकम्मल होने के बाद जारी रखे पर क्लिक करें। आखिरी मराहिल के लिए आपकी तौसीकी दस्तावेजात की जमा आवरी दरकार है, बशमूल दुरुस्त शनाख्त का सबूत और रिहाइश का सबूत। ऐसा होने से पहले आपसे अपने कानूनी नाम की तौसीक करने का कहा जाएगा। नाम बिल्कुल दुरुस्त और आपकी जमा करवाई गई सभी जाती मालूमात, तौसीकी दस्तावेजात और आप आइंदा जो भी अदायगी के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे वाबस्ता नाम के साथ यकसा होना चाहिए। अगर इसमें इस्लाह की जरूरत हो तो अपने नाम में तदवीन करने के लिए तरमीम करें पर क्लिक करें, फिर दस्तावेजात अपलोड करें पर क्लिक करें। बसूरत दीगर जारी रखने के लिए बस दस्तावेजात अपलोड करें पर क्लिक करें। अब आपके शिनाख्ती सबूत के दस्तावेज जमा कराने का वक्त है। पहले शिनाख्ती दस्तावेज के इजरा के लिए मुल्क मुंतखब करें, फिर दस्तियाब एग्जाम में से दस्तावेज की किस्म मुंतखब करें। आपकी मदद करने के लिए करने लायक और ममनू चीजों की फहरिस्त दिखाई जाती है जो मुंतखब करदा दस्तावेज की किस्म के लिहाज से होती है। कामयाबी के बेहतरीन इम्कान के लिए इन तजावीज पर अच्छी तरह अमल करें। दस्तावेज अपलोड करें पर क्लिक करें और मुंसलिक करने के लिए अपनी डिजिटल कॉपी तलाश करें, फिर इसे मुंसलिक करने के बाद जारी रखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगला और हतमी मरहला अपना रिहाइश का सबूत जमा करवाना है। बराए करम नोट कर लें कि आप ये मरहला नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपके अकाउंट की मुकम्मल तौसीक नहीं हो पाएगी और आप महदूद फालियत का तजर्बा करेंगे। अपने रिहाइश के सबूत की दस्तावेज के लिए स्क्रीन पर मौजूद तकाजे फॉलो करें। रिहाइश के सबूत की दस्तावेज अपलोड करें पर क्लिक करें, फिर इसके मुंसलिक होने के बाद जारी रखने के लिए यहाँ क्लिक करें।
सभी दस्तावेजात का जायजा कामयाबी से मुकम्मल हो जाने के बाद आपके अकाउंट्स का स्टेटस खुद ब खुद मुकम्मल तौर पर तौसीक शुदा हो जाएगा। मुबारक हो, आपने अपने एक्सनेस अकाउंट की मुकम्मल तौसीक करने के लिए सभी मराहिल पर अमल कर लिया है। एक्सनेस का इंतखाब करने के लिए आपका शुक्रिया। एक्सनेस की दूसरी ट्यूटोरियल वीडियो में खुशामदी। आज हम मेटा ट्रेडर 5 पर एंड्रॉइड डाउनलोड और इंस्टॉल करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एक्सनेस वेबसाइट से मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करें। इंस्टॉल होने के बाद अपनी डिवाइस पर मेटा ट्रेडर 5 खोलें। बुनियादी मेन्यू खोलें और अकाउंट्स का नज्म करें, मुंतखब करें। एक्सनेस के आइकन पर टैप करें और जब आपसे अपना ब्रोकर तलाश करने का कहा जाए तो प्लस दर्ज करें। दिखाए जाने वाले इख्तियारात में से एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मुंतखब करें। अपने एक्सनेस ट्रेडिंग अकाउंट का लॉगिन असनाद बशमूल पासवर्ड और सर्वर दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स का सर्वर तलाश करने के लिए अपने एक्सनेस के जाती इलाके पर जाएं। गियर आइकन मुंतखब करें, अकाउंट्स की मालूमात खोलें और वहां सर्वर नजर आएगा। मुकम्मल होने के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट्स के इलाके में शामिल हो जाता है। आप यही अमल जितनी बार जरूरत हो दोबारा दोहराकर मजीद MT5 अकाउंट शामिल कर सकते हैं। मुबारक हो, आपने मेटा ट्रेडर 5 पर एंड्रॉइड डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। एक्सनेस का इंतखाब करने का शुक्रिया। एक्सनेस की एक और ट्यूटोरियल वीडियो में खुशामदीद। आज हम आपको दिखाएंगे कि स्क्रिल अदायगी के तरीके के साथ अपने एक्सनेस ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करने का तरीका क्या है। बराए करम नोट कर लें कि यह अदायगी का तरीका इस्तेमाल करने से पहले आपको स्क्रिल के साथ एक अकाउंट रजिस्टर करना होगा। शुरू करने के लिए अपने जाती इलाके में लॉग इन करें और डिपॉजिट का इलाका खोलें। पेश किए गए इख्तियारात में से स्क्रिल मुंतखब करें। अब अपना एक्सनेस ट्रेडिंग अकाउंट और फिर वो रकम मुंतखब करें जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको ट्रांजैक्शन का खुलासा दिखाया जाएगा और जब आपकी तसल्ली हो जाए तो आप कंफर्म पर क्लिक कर सकते हैं। आपको स्क्रिल के लॉगिन सफे पर भेजा जाएगा। लॉगिन करने के लिए अपने स्क्रिल अकाउंट की तफसीलात दर्ज करें। स्क्रिल की वेबसाइट पर अदायगी का ऑप्शन मुंतखब करें और स्क्रीन पर मौजूद किसी भी हिदायत पर अमल करें। मुबारक हो, स्क्रिल के साथ आपका डिपॉजिट अब मुकम्मल हो जाएगा। एक्सनेस को मुंतखब करने का शुक्रिया।